हेलो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट और न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किसी की भी आईडी अपने डाउन से किसी की भी आईडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी आईडी से। अपनी आईडी ओपन करके आप अपने डाउन की किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पिन लेने की ज़रूरत होती है, तो वो पिन कहाँ से मिलेगी और कैसे आपको आईडी एक्टिवेट करनी है अपनी आईडी ओपन करके किसी की भी पिन लेकर, वो ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं पूरा करके आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पट्टी में RAGEO24 लिखा है उसी पट्टी में एक नौ खाने टाइप का बना हुआ है, उस पर ही आपको क्लिक करना है तो मेनू ओपन हो जाएगा। मेनू में आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिन डिटेल का, पिन डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पिन परचेज आईडी, अनयूज्ड पिन्स और यूज्ड पिन्स। तो यहाँ पे हम पिन परचेज पे क्लिक करके पिन को हम यहाँ से परचेज करेंगे। पिन परचेज पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा होगा परचेज पिन टू एक्टिवेट आईडी और यहाँ उसके नीचे लिखा होगा व्यू प्रीवियस पेमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिन लिखा हुआ है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कम से कम आप दो पिन ले सकते हैं, दो के अलावा 3, 4, 5, 6 कितने भी आप पिन ले सकते हैं। मिनिमम आप दो पिन ले सकते हैं और मैक्सिमम आप यहाँ पे 20 पिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो हम दो पिन पे ही क्लिक करेंगे, दो पिन हम लेंगे। दो पिन 248 रुपये की पड़ेगी, एक पिन 124 रुपये की होती है, दो पिन 248 रुपये की। और बाय पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको पेमेंट कैसे करना है, तो हम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। UPI में हम गूगल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, गूगल पे से हम पेमेंट करेंगे। आप जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे गूगल पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे गूगल पे की यूज़र आईडी डाल लेते हैं और ऐट दी रेट के बाद जो लिखा रहता है उसको यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऐट दी रेट तक काट देंगे आप, वहाँ पे हम कॉपी करके रखे हुए थे, बीच में देख सकते हैं ऐट दी रेट लिखा हुआ है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे किस बैंक से आपका अटैच है। ओके एक्सिस मेरा अटैच है तो मैं ओके एक्सिस पे एक्सिस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे योर पेमेंट इज़ बीइंग प्रोसेस लिख के आ चुका है। और इसके बाद ऑन योर UPI ऐप, आप अपने UPI एप्लीकेशन में चले जाइए। जैसे मैं गूगल पे से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं गूगल पे में चला जाऊँगा और गूगल पे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ चुकी है, देख सकते हैं ऊपर मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे रोज़ पे का ऑप्शन, रोज़ पे का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हम 248 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 248 रुपये का देख सकते हैं रिक्वेस्ट आ चुकी है और अभी हम पेमेंट कर रहे हैं 8:58 पे। अभी की ही ये रिक्वेस्ट है, पे हम क्लिक कर देंगे, पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बैंक सर्च कर रहा है, बैंक को हम सर्च कर लेने देंगे। बैंक जब सर्च कर लेगा उसके बाद हम प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे और वहाँ यहाँ पे हम UPI आईडी अपनी फिल कर लेंगे और उसके बाद यस पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे वहाँ 1 DJ स्टैम्प भी मिल चुका है। तो अब यहाँ पे हम चले जाएंगे RAGEO के एप्लीकेशन में और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल अभी हो जाएगा, वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा था अभी।
और यहाँ पे हम इंतज़ार कर लेंगे। मैसेज भी आ चुका है और देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे बस इसी तरह आपको कुछ नहीं क्लिक करना है, ये अपने आप ओपन होगा। ये डैशबोर्ड पे हमें लेके आ चुका है और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे मेनू पे, और मेनू के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे पिन डिटेल में, और पिन डिटेल के बाद परचेज हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 248 रुपये पेड दिखा रहा है। तो ये हमें दो पिन मिल चुकी है। और यहाँ पे हम आईडी एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेनू पे फिर से क्लिक करेंगे और पिन डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनयूज पिन्स पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। एक एक करके दो पिन यहाँ पे दिखा रही है, आप देख सकते हैं दो पिन यहाँ पे शो कर रही है और यहाँ पे यूज पिन पे हम क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं जिसकी आईडी मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ उसका नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम नंबर को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम RSJio के एप्लीकेशन में चले जाएंगे और यहाँ पे यूज पिन पे हम क्लिक करेंगे एक नंबर वाले पे, और यहाँ पे हम यूज़र आईडी फिल कर लेंगे। यूज़र आईडी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस नंबर को जहाँ से हमने कॉपी किया है वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे स्पेस बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस बना हुआ है। जब इस स्पेस को हम यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद फिर से हम वैलिडेट यूज़र पे हम क्लिक करेंगे तो इनका नाम शो कर जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम शो कर गया, जब स्पेस वहाँ से हट गया तो उनका नाम शो कर गया, यानी कि यूज़र आईडी अब सही है। और उसके बाद हम अब क्या करेंगे, यूज़ नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। यूज़ नाउ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इनकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। इस यूज़ नाउ पे क्लिक करने के बाद इनकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ से हम देखेंगे फिर से यहाँ पे क्लिक करके पिन अनयूज पिन में जाके पिन है कि ख़त्म हो चुकी है। एक देख सकते हैं एक पिन यहाँ से ख़त्म हो चुकी, यानी कि उनकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। तो फिर पिन यूज में हम चले जाएंगे, यूज़ पिन पे हम क्लिक करेंगे। यूज़ पिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने इस नंबर की आईडी एक्टिवेट की है। तो ये आज की डेट भी नीचे दिखेगी। तो इस तरीके से आपको पिन लेके आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं किसी की भी, अपनी ही आईडी से किसी की भी आप आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा दी गई है RSJio 24 में, ताकि बहुत से लोगों के पास क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई उनको नहीं समझ में आता है कैसे पेमेंट करना है, तो उनके लिए आप इस तरीके से आईडी किसी की भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको किसी के भरोसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसमें उससे काम करा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कस्टमर केयर का नंबर मैं दे दूँगा, उनसे आप कॉल करके कभी भी एनी टाइम दिन में कभी भी आप बात कर सकते हैं, बशर्ते कि उस दिन छुट्टी ना हो, जैसे कि संडे का दिन ना हो और कोई त्यौहार ना हो, तो आप कस्टमर केयर से सहायता ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी आईडी एक्टिवेट करिए और दूसरों की अपने डाउन में सबकी आईडी एक्टिवेट इस तरीके से कर सकते हैं, और इसके अलावा वो अपनी आईडी से भी अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आईडी एक्टिवेट करना है और कहाँ पे क्या गलती हो सकती है, ये चीज़ भी मैंने बताई है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।